बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 13, इंटरप्रेन्योरशिप। वर्ड इज इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो इसकी हम लोग आज एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब अपना पेज नंबर 105 ओपन कर लीजिए। 105 के अंदर हमारे पास पार्ट नंबर ए है, फिल इन द ब्लैंक्स। और पार्ट नंबर ए के अंदर ब्लैंक नंबर वन है हमारे पास, अ बिजनेस स्टार्ट विथ लिमिटेड कैपिटल इन इस डैश। यानी कि जो एक जो कारोबार है जो कि छोटे लेवल से, छोटे पैमाने से शुरू किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल बिजनेस। लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप इज डैश कैपिटलाइज्ड। यानी कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो जो कारोबार करती हैं, वो उनमें क्या होता है, ज़्यादा मुनाफा भी होता है उनको, और जो लॉस होता है ज़्यादा भी हो जाता है। तो हाईली कैपिटलाइज्ड इंटरप्रेन्योर्स आर ऑर्डिनरी पीपल हु क्रिएट समथिंग। ये जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक आम सा बंदा होता है जो क्या करता है, वो जो कि नई नई चीज़ें बनाता है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करता है, न्यू थिंग। फोर्थ है, द एबिलिटी टू मेक डिसीजन फर्मली एंड क्विकली इज कॉल्ड डिसिवनेस। यानी कि कोई भी ऐसी आपके अंदर एबिलिटी होना, कोई ऐसी खसूसियत होना कि आप वो काम, कोई भी काम जल्दी जल्दी से, उसके ऊपर कोई भी आपको सडन डिसीजन लेना हो तो आप जल्दी जल्दी ले लें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस शख्स को हम लोग कहते हैं डिसिवनेस। ह्यूमैनिटी बिल्ड इंटरप्रेन्योर्स एंड हेल्प रन अ बिजनेस स्मूथली, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 106 पर। पेज नंबर 106 पर हमारे पास बी पार्ट है, मैच द बिजनेस विद योर एग्जाम्पल। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है हमारे पास ग्रॉसरीज, ब्यूटी पार्लर्स, प्लम्बर्स और कारपेंटर्स, ये जितने भी हैं ये सारे स्मॉल स्केल आ जाते हैं। लार्ज कंपनीज इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाते हैं शॉपिंग मॉल्स जितने भी हैं हमारे पास, फैक्ट्रीज और होटल्स। स्केबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज। अब सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सोशल कहते हैं ना, बड़ा बंदा सोशल है, तो सोशल के अंदर आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ई कॉमर्स, ठीक है? अब आ जाते हैं सी पार्ट पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नंबर वन है, व्हाट इज एन इंटरप्रेन्योरल माइंडशिप, यानी कि सॉरी व्हाट इज एन इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। यानी कि एक शख्स का जो कि कारोबार करना जा रहा है, कारोबारी काम करना जा रहा है, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसकी ज़हनियत क्या होनी चाहिए? तो इसका जी हमारे पास आंसर है पेज नंबर 102 पर। पेज नंबर 102 पर हमारे पास इसका आंसर है ये, इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। एन इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट इज ऑलवेज एज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प अ पर्सन टेक चैलेंजिंग मेक डिसीजन एंड बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। यानी कि उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो लोगों की मदद करे, स्टार्ट उसको ऐसे लेना चाहिए, चैलेंजिंग काम फेस करे अच्छी तरह से, अच्छे डिसीजन ले और हर नतज का जिम्मेदार वो उसको पता हो कि अगर ये मैं काम करूँगा तो ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इसके नतज ये आएंगे और मुझे इसको फेस करना है। बाय रिपीटिंग दिस एक्शन अ पर्सन सक्सेसफुली डेवलप और पॉलिशेस ऑलरेडी एक्सटेंडिंग स्किल्स, एग्जिस्टिंग स्किल्स। फर्दर मोर अ पर्सन ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड टेक नेसेसरी एक्शंस टू बी यूजफुल। और मजीद ये कि जो भी शख्स है जो कि कारोबार करना चाह रहा है, वो उसको चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक से सबक सीखे, ना कि फिर वो कोई गलती हो गई है और उसके अंदर उसको लॉस हो गया है तो वो यूँ ना हो कि वो उस लॉस को इस सदमे में भी लेके बैठे रहे और सारी ज़िंदगी उसी सदमे में गुजार दे, बल्कि उसको उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करे, उससे सबक सीखे और आगे अपनी ज़िंदगी संवारे, ताकि वो अपना अगला जितने भी कदम है उसके वो जम जाए अपनी फील्ड के अंदर और वो सक्सेस हासिल कर सके। सेकेंड आ जाते हैं, लिस्ट डिफरेंट बिहेवियर्स रिलेटेड टू इंटरप्रेन्योरशिप। आपने बिहेवियर्स बताने हैं जो कि एक आम कारोबारी बंदे के अंदर या किसी भी शख्स के अंदर होने चाहिए। नंबर ये डिफरेंट बिहेवियर्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए है जी हमारे पास पेज नंबर 104। सबसे पहले आ जाता है डिसीवनेस। हेडिंग देंगे आप डिसीवनेस की, उसके बाद देखेंगे डिसीवनेस इज द एबिलिटी टू मेक फेम एंड क्विक डिसीजन। इंटरप्रेन्योर्स नीड दिस इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू ग्रो देयर बिजनेस। सेकंड आ जाता है कॉन्फिडेंस। बींग अ कॉन्फिडेंट इंटरप्रेन्योर्स मीन्स हैविंग अ बिलीफ इन वननेस एबिलिटी टू मीट वन गोल। कॉन्फिडेंट इंटरप्रेन्योर्स डील विद रिस्क एंड सक्सीड। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट पर, अकाउंटेबिलिटी। Successful entrepreneurs constantly review and analyze their action. Ultimately, they are responsible for their decision.
और फिर रिसाइलेंस इज द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द चैलेंज एंड थ्रेट विद अ काम एंड कूल माइंड. ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पर. ये बिहेवियर था, आगे आप थर्ड पे आ जाएं. व्हाई इज कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर. कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कारोबारी बंदे के लिए? क्या हर इंसान के लिए कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है? तो ये कॉन्फिडेंस वाला जो था ना बिहेवियर के अंदर, कॉन्फिडेंस, बीइंग अ कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मीन्स हैविंग अ बिलीफ इन वननेस, एबिलिटी टू मीट वन्स गोल. कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर्स डील विद रिस्क एंड सक्सीड. जिसका आंसर हो जाएगा. अब आ जाते हैं फोर्थ पर. कंपेयर स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, लार्ज स्मॉल बिजनेस एंड लार्ज कंपनीज एंटरप्रेन्योरशिप. आपने इनको कंपेयर करना है, आप लोगों ने बताना है. इनकी कंपेयरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली डिफरेंस करते हैं डिफरेंस के अंदर. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर लाइन लगाते हैं बीच में, और एक तरफ को स्मॉल स्केल और दूसरी तरफ को लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल के अंदर क्या आ जाएगा, स्मॉल स्केल बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद लिमिटेड कैपिटल्स. लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर आ जाएगा, वन और मोर पीपल मे ओन अ लार्ज बिजनेस, ओनली वन पर्सन ओन द बिजनेस, दिस इज हाईली कैपिटलाइज्ड बिजनेस. यानी कि इसके अंदर दो, एक या दो हो सकते हैं, ज़्यादा भी बंदे हो सकते हैं. देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. ऑल पार्टनर्स इक्वली शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल वेंचर्स, इन अ जॉइंट वेंचर, सॉरी. और लास्ट में एग्जाम्पल भी कहा था, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टॉल्स एक्सेट्रा आर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल एक्सेट्रा लार्ज स्केल बिजनेस फैक्टर्स. ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो ये भी हमारे पास पेज नंबर 104 पर ही इसका आंसर है, और ये यहाँ से फिफ्थ का यहाँ से. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर सोशल गुड्स एंड नॉट जस्ट फॉर टू द गेट profit. Such businesses focus on creating a new product and services that help people to solve their problems. These businesses bring changes to people's life while acquiring profit. Some example are education institutions, banking services, welfare services and microfinance institutions. ठीक हो गया, अब आ जाते हैं डी पार्ट पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. आपने क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में देना है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. आप लोग गिव योर ओपिनियन, यानी कि कौन सी ऐसी खसूसियत है जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप में होनी चाहिए. आपने अपनी राय का इजहार करना है, तो ये मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है. परसिस्टेंस इज द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इवन गुड एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस फेलियर्स एंड हर्डल्स, बट विद परसिस्टेंस, यानी कि ठहराओ, ठीक है, यू आर एबल टू पिक यूर सेल्फ बैक अप एंड कीप मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. देन इज सेकेंड, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट करेक्टरिस्टिक डज एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर टू बी सक्सेसफुल. आपने बताना है एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसको सक्सेसफुल बना सकती हैं. तो इसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ. इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 104 पर ही मौजूद है. पेज नंबर 104 पर ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था ना, इसका सेकंड पैराग्राफ. एंटरप्रेन्योर्स आर ऑर्डिनरी पीपल हु आर पैशनेटेड अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड कांट वेट टू टेक एक्शन. अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक कैन रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, सच एज क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द करेज टू फेस रिस्क एंड फेलियर्स. ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा. ठीक हो गया, तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.